सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवाज भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि पीसी ज्वेलर जो इतने टाइम से गिर रहा था, अब उसके लिए कैसी बड़ी खबर आ गई है। तो हम पहले बात करते हैं कि पीसी ज्वेलर का गिरने का तरीका कहाँ से शुरू हुआ। तो हमने देखा था कि पीसी ज्वेलर ने विक्रांगी के शेयर्स बाय करे थे और उसके बाद से हम देख रहे थे कि ये गिरना शुरू हो रहा था, पर हल्की हल्की डिप्स में ये गिर रहा था और हम देख रहे थे कि अब इसमें जैसे गिरावट आ गई है तो 200 मिलियन तक इसमें हम कह सकते हैं कि पोजीशंस कटी हुई दिखी हैं। अगर हम बात करें तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 23,000 करोड़ का, पीसी ज्वेलर की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो जिस तरीके से गिरना शुरू हुआ है तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि वो 3,000 करोड़ रह चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन पीसी ज्वेलर का, यानी कि कुल 90% मार्केट कैपिटलाइजेशन गुल कर चुकी है पीसी ज्वेलर। तो अब क्या हो सकता है इसमें, अब हम यही कह सकते हैं कि पीसी ज्वेलर को रिकवर करना पड़ेगा। हमने देखा था कि अभी मार्केट क्लोज हुई थी 4 तारीख को, तो हमने उसमें देखा कि अच्छी खासी रिकवरी आई और 25% तक ऊपर चला गया था पीसी ज्वेलर। तो हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी रिकवरी आई थी, इसने जो अपना बॉटम बनाया था 97 पे, तो हमने देखा था वहाँ पर पिवट पॉइंट का सपोर्ट था, वहीं से उसने बाउंस बैक देने की कोशिश करी और हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है पीसी ज्वेलर में। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 7 मई को जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, क्या वो और ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो ऐसी कौन सी बड़ी खबर पता चली है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पीसी ज्वेलर एक अच्छी मूव दे सकता है या और गिरावट में जा सकता है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा। पर आप सबसे पहले ये देखिए कि ऐसी क्या बड़ी खबर आई है पीसी ज्वेलर के लिए। तो ये हुई है जो बल्क डील हुई है पीसी ज्वेलर के अंदर, और एक नहीं दो नहीं तीन तीन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन लोगों ने अपनी बल्क डील करी है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो 4 तारीख को जब मार्केट ओपन था और मार्केट पीसी ज्वेलर का शेयर ऊपर जा रहा था, जब 150 रुपये में जब पीसी ज्वेलर का शेयर था तो वे टू वेल्थ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 24 लाख शेयर्स को बाय करे थे 150.25 पर शेयर के भाव में। अगर हम बात करें दूसरी बल्क डील जो हुई है वो वैभव स्टॉक एंड डेरिवेटिव ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से हुई है, जिन्होंने 78.45 लाख शेयर्स बाय करे थे 153.55 पर शेयर के भाव में। तीसरी जो बल्क डील हुई है वो हुई है शास्त्रा सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जिसमें उन्होंने 51.13 लाख के शेयर्स बॉट करे थे 148.16 या 26 पर शेयर के भाव में। तो ये तीन बहुत बड़ी बल्क डील्स हुई है हमने आते हुए देखी है इस पीसी ज्वेलर के अंदर, और हम कह सकते हैं कि कुल 20 करोड़ तक ये बाइंग बनी है पीसी ज्वेलर के अंदर कल के मार्केट में जब मार्केट क्लोज हुई थी 4 मई को। तो हम कह सकते हैं कि 150 से ऊपर ये सस्टेन कर चुका है और 173 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये और अपसाइड दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता वो कल के मार्केट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि 150 के ऊपर इन लोगों ने अपनी बाइंग पोजीशंस बनाई थी और उसके ऊपर जाके वो ट्रेड करके क्लोजिंग दी है। तो अगर कल मार्केट खुलता है और पीसी ज्वेलर और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो शायद ये तीनों जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं वो इस बल्क डील को ब्लॉक कर ले और वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करे और वहाँ से हम वापस एक गिरावट पीसी ज्वेलर के अंदर आते हुए देख सकते हैं। और अगर ये लोग बल्क डील को एग्जिट नहीं करते हैं, जो इन्होंने पोजीशंस बनाई हुई हैं 150 के लेवल पे, और ये और ऊपर जाना शुरू होता है और हम मार्केट के अंदर देखते हैं और बल्क डील्स बनते हुए देखती है, वॉल्यूम इंडिकेटर को अगर हम रीड करके देखें और इसमें अगर और बल्क डील बनते हुए दिखती है हमें पीसी ज्वेलर के अंदर, तो ये 220-230 तक आराम से चले जाएगा कल यानी परसों के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर तक।
तो आप इसको वॉच जरूर करके चलिए, पीसी ज्वेलर को, ये आपको एक मुनाफेदार ट्रेड कमा के दे सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है दोनों रिस्क से, मैंने आपको बता दिया अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो सकता है, या अगर ये लोग सेल करेंगे तो क्या होगा, अगर ये लोग और बाइंग पोजीशंस बनाते हैं या और कोई ब्रोकिंग कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड जो और बाई करती है शेयर्स तो क्या हो सकता है। तो ये कुछ खास चीज़ें मैंने आपको पीसी ज्वेलर के बता दिया, जो 7th ऑफ मे को यानी कि मंडे को एक आपको अच्छा ट्रेड कमा के दे सकती है डाउन साइड या अप साइड के ऊपर। तो वॉच करके ज़रूर चलिए, और मैं आपको पहले इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ जिससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीक है या स्ट्रांग हो चुका है। सिर्फ हम 4th मई की बात करेंगे क्योंकि उससे पहले हम देख चुके हैं कि ये बहुत गिर चुका है, तो हम चार्ट स्ट्रक्चर तो हमें वीक ही बताएगा। तो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा कि मैंने अपने लिए आपके लिए पीसी ज्वेलर का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, आर्ली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि या यहाँ से इसने कंसिस्टेंटली अपनी गिरावट शुरू करी थी, यानी कि 400 रुपये के आसपास से इसने गिरावट शुरू करी थी, और ये यहाँ से गिरते गिरते हमें यहाँ पर इसने 97 का जो इसने बॉटम बनाया है वहाँ से हमने इसमें बाउंस बैक आते हुए देखी है। तो बाउंस बैक आते हुए देखी है, और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि एक एक घंटे के अंदर अंदर ही 50-50 मिलियन के इसमें वॉल्यूम्स बनते हुए दिखे हैं, बिल्डअप होते हुए दिखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये और अपसाइड दिखा सकता है। और अगर हम आर्ली चार्ट की बात करें तो जो ये एक रेंज बाउंड कर रहा था, और रेंज बाउंड से इसने हम कह सकते हैं कि इस लेवल से इसने 212-215 के लेवल से इसने और गिरावट आनी भी शुरू हो गई थी, और वहाँ से इसने कंसिस्टेंटली और ज़्यादा गिरावट दिखाई थी। तो ये वहाँ तक जा सकता है, वहाँ से वहाँ तक बाउंस बैक दे सकता है पीसी ज्वेलर का शेयर, तो हम वहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये हम आपको डेली चार्ट को ओपन करके दिखाते हैं तो वहां पर आप देख पाएंगे आराम से कि इसने जो बॉटम बनाया था, अब यहाँ देख सकते हैं ये बॉटम एक पिवट पॉइंट है जो आपको शो कर रहा है, जो इसका सपोर्ट का काम कर रहा था। इस सपोर्ट पे जाके ही इसने अपनी लो बनाया था, वहां से हमने इसमें बाउंस बैक आते हुए देखा, और बाउंस बैक हमें यहाँ पे 220 तक के लेवल्स जरूर दिखा सकता है। आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि पिछला जो इसका ट्रेड था वहां पर हमने वॉल्यूम्स देखे थे कि कुल मिला के 220 मिलियन वॉल्यूम्स बिल्डअप हुए थे, और हमने जो 4th ऑफ मई को इसमें वॉल्यूम्स बिल्डअप होते हुए देखे हैं वो उससे कम होते हुए देखे हैं। मतलब अभी भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है, तो शायद अगर ये कल मार्केट में थोड़ा सा गिरता है और लोग अपना बेचना शुरू कर देते हैं तो ये और डाउन साइड दिखा सकता है। अगर हम कह सकते हैं कि 4th ऑफ मई को ये अपने जो इसने वॉल्यूम बिल्डअप करा था, 3rd ऑफ मई को उसके ऊपर ही ज़्यादा वो वॉल्यूम बिल्डअप करता बाइंग पोजिशन के दौर में, तो हम कह सकते थे कि ये और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो मैंने आपको दोनों सिचुएशंस कंडीशंस बता दी हैं जो पीसी ज्वेलर के अंदर हो सकती है, तो आप दोनों तरीके से ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। अब उसे अगर आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना आता है पीसी ज्वेलर के शेयर को चार्ट पैटर्न वाइज समझ पाएंगे तो आप खुद कमा सकते हैं बहुत सारे पैसे। तो अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पीसी ज्वेलर का ही मैंने खोल के रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स आपको कितने बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं, मतलब इसमें कितना ट्रेड बना हुआ था, यानी कुल 18 से 20 करोड़ के अंदर अंदर इसमें वॉल्यूम बिल्डअप होते हुए हमें देखने को मिले हैं। तो हम कह सकते हैं और इसमें अच्छी खासी बाइंग क्वांटिटी बनते हुए देखी है हमने 4th ऑफ मई के मार्केट के अंदर अंदर ही। तो हम कह सकते हैं यह और ज़्यादा अपसाइड दिखा सकता है, और अपने हाइस के पास ही इसने क्लोजिंग दी है। हम इंट्राडे के हाइस के बात कर रहे हैं, ना कि जो इसने 52 वीक हाई बनाया था। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को दबाइए जिससे मैं आपके लिए और लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो शेयर करते रहूँ, जिससे आप अच्छे खासे मुनाफेदार पैसे कमा सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।